आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। यूपी में नगर निकाय चुनाव का शंखनाद होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। अब सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जहां नगरीय निकाय चुनाव में त्रिस्तरीय बीजेपी का प्रचार होगा, जहां मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायकों को भी प्रचार में लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के कैंपेन होंगे। प्रभार वाले जिलों में मंत्रियों और पदाधिकारियों के दौरे शुरू हो गए हैं। मेयर के साथ ही पालिकाओं में भी सीएम योगी प्रचार कर सकते हैं। दूसरी ओर सपा ने भी चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। राजधानी लखनऊ का मेयर चुनाव कमेटी मैनेज करेगी। वहीं उस कमेटी में अरविंद सिंह गोप, मधु गुप्ता, सीएल गुप्ता, साथ ही जगदीप यादव, फाकिर सिद्दीकी, आशुतोष वर्मा भी शामिल रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखा जाए निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीएम योगी ने जनता से अपील की है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बन चुका है। प्रथम चरण के जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसको पूरी कर ली गई है। 4 मई और 11 मई को जो आने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं, उसके लिए भी पूरी तैयारियां जोर शोर से की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो के माध्यम से पूरे प्रदेश से यह अपील किया है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव को, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को जीता जा सकता है और कैसे उन पर भरोसा जताया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और कल यानी जो सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया थी पहले चरण की, वो पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है और अब लखनऊ में मेयर प्रत्याशी के लिए सुषमा खरकवार को यहां पर उतारा गया है मैदान में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस तरीके से यहां पर लखनऊ में मेयर प्रत्याशी के लिए उतारा गया है तो बड़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी एक नया चेहरा निकल करके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे पर अपना दांव लगाई है। अभी देखने वाली बात होगी कि सुषमा खरकवार जो अभी मेयर प्रत्याशी लखनऊ की बनी है वो किस तरीके से अब इस कार्य को बढ़ाती है। देखा जाए रितेश, निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय प्रचार करेगी, और क्या कुछ रणनीति लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चीजें हैं वो लगातार स्पष्ट रहती हैं, क्योंकि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। डबल इंजन की सरकार है वो लेके चल रही है। अब तो कुल बात करके आ रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भी हो सकती है। कल नामांकन के दौरान में कई मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी के बारे में सराहना करते हुए कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर जितनी भी सीटें हैं उस पर वो काबिज होने वाले हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश की चुनाव में जिस तरीके से जनता अब ये देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे को लेकर के भी बहुत संशय रहा। अचानक गुपचुप तरीके से प्रत्याशियों की सूची भी लगातार जारी की गई। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अचानक आनंद फानन में उसने भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी की। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी निकल करके, जैसे ही वो एक एक क्षेत्र से कई दावेदार हो रहे थे, कहीं उनकी नाराजगी ना बढ़ जाए इसको लेकर के समाजवादी पार्टी भी अपने दुरुपयोगों को अचानक उसने निकाला है। उसके बाद कहीं तब जाकर के कहीं प्रत्याशी की सूची को निकाला। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के लगातार सजग बनी हुई है और अपने उनके जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, निर्देशित भी कर दिया गया है इस चुनाव को हर हाल में पूरी तरीके से जीतने के लिए जो भी कार्य किया जाना आवश्यक हो उसको करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए। जी रितेश, देखा जाए सभी दल जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं और इस बार निकाय चुनाव में भाजपा और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब की बार जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो नगर निकाय चुनाव की जो सीधी टक्कर होगी वो बिल्कुल आमने सामने दोनों पार्टी दोनों
दलों में टक्कर होगी। कहीं ना कहीं अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी जो शीर्ष और कट्टर नेता रहे हैं अरविंद सिंह गोप भी और मधु गुप्ता और सीएल गुप्ता, ये सब लोग मिल करके कहीं ना कहीं अब की बार लखनऊ की भी कमान को संभालेंगे और प्रदेश की बागडोर को भी संभालेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी अब की बार कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि अब की बार जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, उसमें दो पार्टियां अपनी पूरी तरीके से दम दिखा रही हैं और कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी भी किसी न किसी रोड पर नजर आ रही है। फिलहाल अब जिस तरीके से पहले चरण की सूची जारी की गई है, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कौन कार्यकर्ता उनकी पार्टी से टिकट मिलने से नाराज हैं और कौन खुश है। कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी को टिकट मिला, 10 का कटा है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है। फिलहाल पूरी तरीके से अगर नगर निकाय चुनाव का समीकरण देखा जाए तो अब की बार पूरा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी क्या दमखम लेकर के जनता के पास जाती है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहरहाल सबसे बड़ी जो समस्या उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में बात करें नगर निगम में और नगर निकाय में, तो साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के और समस्याओं को लेकर हाउस टैक्स को लेकर के बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं उनकी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जनता भी इन चीजों को तलाश रही है और देख रही है कि आखिर किससे वो उनकी सत्ता को ला सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तृतीय मतलब ये तीसरी सरकार बनाने के लिए भी काबिज होने के लिए पूरी तरीके से लंबवत है और अपने पूरे अधिकारियों को और पूरे अपने जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको निर्देशित भी कर दिया गया है। तो लगातार इस चुनाव में बराबर समीकरण बना है, कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच। रितेश, अगर देखा जाए तो आप तो जमीनी हकीकत देख रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले 3 निकाय चुनाव हुए, कांग्रेस उसमें कहीं नहीं नजर आई, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी लोकल बॉडीज चुनाव हो, वो प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई जो वो चाहती थी, तो कहाँ चूक रह जा रही है कांग्रेस से? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी कोई भी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनकी नीतियां सही होती है वही चुनाव में वो अपनी दम को बना पाते हैं, अपनी जगह को, अपने स्थान को जनता की नजर में बना पाते हैं। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो अगर तुलनात्मक अगर कार्रवाई करें, अगर तुलना करें भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उन्होंने अपने विश्वास को खोया है। उन 70 सालों का जो खामियाजा भुगता है देश कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी जो देश की जनता है वो भी बुद्धिमान है, उनको भी जानकारी है कि आखिर कौन सी सरकार उनके लिए क्या हित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वोटर हैं या उनके मतदाता हैं या जो जनता है उन पर वो भरोसा जीत पाई, उस भरोसे के कारण आज भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है और लगातार वो भारत में भी उसकी दिल्ली में भी सरकार बन रही है, प्रदेश में भी बन रही है और नगर निकाय में भी चुनाव ये सरकार बनाने की वो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो मौके पर आते हैं और समाजवादी पार्टी वह करके आ रही, दोनों में काटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में अभी अपने उस नेता को नहीं बना पाई, जिसके कारण से कहीं ना कहीं उसे हार का सामना झेलना पड़ रहा है और लगातार जो भी पिछले चुनाव तो रितेश वक्त ही बताएगा कि निकाय चुनाव में किसका परचम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर यह वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बने। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों,
यूपी में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और निकाय चुनाव पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 458 नए मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3693 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 119 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ लखनऊ में कुल 875 सक्रिय मरीज हैं। बता दें कि यूपी में 4 मई को नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। इसके लिए सीएम योगी ने सभी तैयारियां पूरी करने के पहले ही निर्देश दे दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव भी होने हैं और सीएम योगी द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी जो है वो पहले से एक्टिव नजर आ रही थी। जब भी उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ने लगे थे तभी मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें टीम 9 के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने भी बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी और सभी चिकित्सा प्रमुख, चिकित्सा अधीक्षक और बड़े अस्पताल प्रशासनों को ये हिदायत दे दी थी कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कोविड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी एडवाइजरी जारी की है, उन निर्देशों का पालन किया जाए। जितने भी वार्ड हैं कोविड, सभी अस्पतालों में कोविड रिलेटेड वार्ड बनाया जाए, मरीजों को भर्ती किया जाए और जो ऑक्सीजन की बात की जाए, जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, वेंटिलेटर की अगर बात की जाए, तो ये सारी सुविधा से अस्पतालों को लैस होना पड़ेगा। बकायदा स्वास्थ्य मंत्री ने मॉक ड्रिल भी की थी और अलग अलग जगहों पे स्वास्थ्य अधिकारियों ने, चाहे वो लोहिया हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, बकायदा मॉक ड्रिल भी हुई थी। उसके पहले अगर बात की जाए तो सीएम ने सिविल अस्पताल में भी एक मॉक ड्रिल कराई थी कि कितने तैयार है सिविल अस्पताल किसी भी चुनौती के लिए। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में 60,000 से ज्यादा ये मामले आ चुके हैं और विवेक देखा जाए सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो लखनऊ में है और आपने कहा कि कोविड को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो क्या अस्पतालों में व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, कोविड रिलेटेड वार्ड बने हुए हैं अस्पतालों में, अलग से कोविड रिलेटेड वार्ड बनाए गए हैं। जितने भी चिकित्सा अधीक्षक हैं सब इनकी तैयारी पूरी कर चुके हैं। वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है अलग अलग अस्पतालों में और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, जो कोविड के मरीजों में ऑक्सीजन वो लगातार गिरता रहता है, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है अस्पताल प्रशासन करके बैठा है ताकि किसी भी अनहोनी का शिकार कोई भी ना हो। हमने इसके पहले भी देखा है किस प्रकार से कोविड में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता भी काफ़ी लापरवाही कर रही है और बिना मास्क के भीड़ भाड़ इलाकों में लगातार घूम रही है। इसके पहले की जितना भी केसेस हुए हैं, अगर 2020 से लेकर अब तक की बात की जाए, तो पब्लिक ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, वो अपने इतिहास से कुछ सीख भी नहीं रही है। अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन की सुविधा भी जो है हर जगह उपलब्ध करा दी गई है। जी धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।